यस मैम। अब इसमें ही नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये लीस्ट स्क्वेयर मेथड, ठीक है, जो आज आपने स्टडी करना है। ठीक है, लीस्ट स्क्वेयर मेथड जो है इसको बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास जो है वो मेथोडोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं प्लॉटेशन ऑफ कैलिब्रेशन कर्व। ठीक है, ये आप ये समझे कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना ये उसका ब्रेन है कैलिब्रेशन कर्व। ठीक है, कैलिब्रेशन कर्व को ड्रॉ करने के लिए यूज की जाती है। अच्छा, कैलिब्रेशन कर्व एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल्स और रिसर्च के पॉइंट से, तो मैं पहले जो है वो एक एग्जांपल के रिस्पेक्ट से आपको बताऊंगी कि कैलिब्रेशन कर्व है क्या, कैसे बनाते हैं और इसका आपको क्या बेनिफिट होता है। अच्छा, इस तरह का एक ग्राफ होता है एक्चुअली आपके पास, ये कैलिब्रेशन कर्व एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जिसमें आप कंसंट्रेशन के अगेंस्ट एब्जॉर्बेंस को चेक करते हैं या अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमिन करते हैं यूजिंग एनी टूल। यहाँ पे तो एब्जॉर्बेंस के अलावा भी कुछ टूल्स जो है वो आपके पास इसमें हो सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी ताकि आप इस स्ट्रेट लाइन की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो अब क्या करते क्या है हम इस कैलिब्रेशन के कर्व के थ्रू हम डिटर्मिनेशन करते हैं किसी अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं इस कैलिब्रेशन कर्व को प्लॉट करने के बाद। अब हम देखते हैं कि ये कैलिब्रेशन कर्व जो है वो क्या है। अच्छा, सपोज आपके पास एक वाटर सैंपल है, ठीक है, वाटर सैंपल के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के साल्ट्स भी होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, इसके अलावा ग्लूकोज हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका ये जो वाटर होता है ना ये टेस्टलेस नहीं होता, इसका एक सर्टन टेस्ट आपको फील होता है ना जब आप पीते हैं। ठीक है, रोजे में पानी की बात हो रही है, मुझे ये बताएं जब पानी पीते हैं तो टेस्ट फील होता है ना आपको उसका, यस जी मैम मैम? होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आपको पानी का बिल्कुल कोई टेस्ट ही फील ना हो। ठीक है, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है, उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर जितने भी साल्ट होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, डिस्टिलरी में ऐड करने के बाद उसके अंदर जितने भी साल्ट होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके अंदर वो सारे साल्ट मौजूद होते हैं और उन साल्ट की वजह से आपको उसका टेस्ट फील होता है। उसके अलावा उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जैसा कि ग्लूकोज है, लेकिन ये जो आपके पास साल्ट और ग्लूकोज होती है आपके वाटर सैंपल के अंदर, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना वो एक सर्टन लिमिट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसके लिए एक कंसंट्रेशन की आपके पास रेंज है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सजेस्ट की है कि सेफ वाटर जो है उसके अंदर ग्लूकोज इतनी होनी चाहिए, सोडियम क्लोराइड इतना होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी से एक्सीड नहीं करना चाहिए, इतनी क्वांटिटी से लो नहीं होना चाहिए, यानी इस तरह काफी सारे जो है उसके अंदर आपके पास एक पूरी लिस्ट होती है। ठीक है, जो उन्होंने रिकमेंड की हुई है कि वाटर के अंदर इतनी क्वांटिटी में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या चेक करना है कि आप जो पानी पी रहे हैं, ठीक है, उसमें वो जो ग्लूकोज है या उसके अंदर जो डिफरेंट साल्ट हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेड लिमिट के इक्वल है, उससे कम है, उससे ज्यादा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका पानी पीने के लिए सेफ है या नहीं है, या उसका हेल्थ लेवल क्या है। बात की समझ आ रही है? ठीक यस मैम। है, अब हम क्या करते हैं इस अननोन कंसंट्रेशन को, अब सपोज आपके घर में टैप में पानी आ रहा है, ठीक है, या फिर आप किसी और रिसोर्स का वाटर यूज कर रहे हैं, तो आपको देखने से तो पता नहीं चलेगा ना कि उसके अंदर किस साल्ट की या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी है, पता चल जाएगा देखने से सिर्फ। ठीक नो मैम। है, उसकी कंसंट्रेशन जो भी आप टैप से वाटर ले रहे हैं, जो आप किसी जो है वो वाटर पंप से पानी ले रहे हैं, या आप किसी भी और नेचुरल सोर्स से पानी ले रहे हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, सपोज अगर मैं ग्लूकोज ले लेती हूँ तो उसकी कंसंट्रेशन आपके लिए अननोन, आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है ग्लूकोज। अब अगर आप उसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिटरमिन करना चाहते हैं तो आपको एक कैलिब्रेशन कर्व बनानी पड़ेगी। अच्छा, कैलिब्रेशन कर्व में हम देखते हैं कि क्या चीज है। सपोज जो वाटर है, जो भी वाटर सैंपल है, जो आपका टैप वाटर है या आपके पास किसी भी और रिसोर्स से आ रहा है जिसके अंदर आप ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, उसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो आपने क्या करना है, एक फ्लास्क के अंदर ले लेनी। ये आपका पहला स्टेप होगा कि आपका जो भी सैंपल है आपने उसकी कुछ क्वांटिटी एक फ्लास्क के अंदर ले लेनी है, इसको हम कहते हैं एनालाइट। एनालाइट जो होता है वो आपका कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है या आपका सैंपल होता है जिसकी आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अब आपने अपना सैंपल लिया और आपने उसको एक फ्लास्क के अंदर डाल लिया, जो भी आपने
आपका वाटर था जिसके अंदर आप ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को चेक करना चाहते थे। अब इस बात को आपने जो है गौर से सुनना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके 5 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बना लेने हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की डेफिनेशन किसी को पता है क्या चीज है, क्या होती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? नहीं पता? क्लास नहीं पता तो बताएं तो सही है एटलीस्ट कि नहीं पता। आवाज नहीं आ रही मैम? नहीं पता। हाँ जी, ये आपके पास क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन आपको पहले से पता होता है। आप खुद बनाते हैं, नॉन क्वांटिटी आप लेते हैं सोल्यूट की और नॉन क्वांटिटी आप लेते हैं सॉल्वेंट की, दोनों को मिक्स करते हैं तो आपको कंसंट्रेशन पहले से पता होती है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसकी आपने कंसंट्रेशन खुद प्रिपेयर की होती है और आपको वो कंसंट्रेशन पता होती है, आपके लिए नॉन होती है। जो सोल्यूशन आप नॉन कंसंट्रेशन होते हैं उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो एक आपके पास सैंपल ऐसा है वाटर का जिसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आपके लिए अनोन। अब 5 सैंपल्स आपने ऐसे बनाने हैं जिनमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आपके लिए नॉन होगी, उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो एक चीज क्लैरिफाई करनी है, एक बार फिर आप नोट कर लें कि यहाँ पे आपके पास दो किस्म के सॉल्यूशंस हैं। एक आपके पास जो है वो सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज की अननोन कंसंट्रेशन है आपको नहीं पता। ठीक है, इसको हमने क्या कहा था, क्या नाम दिया था इसको, हम कहते हैं ये एनालाइट, ठीक है। और आपके जो 5 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जिनकी कंसंट्रेशन आपको पता होगी, ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? जी मैम। ठीक है, अब आपने एक आपके पास अननोन सैंपल है और बाकी आपके पास न्यू स्टैंडर्ड है। और यही बात याद रखें कि यहाँ पे नहीं, जहां भी आपने स्टैंडर्ड कर्व बनानी होती है, ठीक है, यहाँ पे भी आपने कैलिब्रेशन कर्व बनानी होती है, वहां पे आपका एक सोल्यूशन जो होता है उसकी कंसंट्रेशन अननोन होती है और जो बाकी सैंपल होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो आप खुद बनाते हैं और वो आपको नोन होती है, उनको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि हमेशा आप अननोन क्वांटिटी को फाइंड करते हैं विद हेल्प ऑफ एनी नोन क्वांटिटी। अब आपने जो 5 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाने, ठीक है, ये देखें मैंने आपके सामने 5 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस रखे हैं। ये आपके पास जो है वो फ्लास्क, ठीक है, इनके अंदर जो है वो मैंने जो है वो पहला जो आपका सैंपल है उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट, मैंने यहाँ पे सिर्फ सोल्यूट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। या ओवरऑल ये जो आपके पास कुछ फिगर्स लिखे हैं ये आपको सोल्यूट के बारे में बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट सैंपल है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जीरो है। फर्स्ट सैंपल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जीरो है, यानी आपने वाटर लिया है और उसके अंदर ग्लूकोज ऐड ही नहीं की, ये आपका प्योर वाटर है। बात की समझ आ गई? यस मैम। आप ये समझे कि ये डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। दूसरा जो आपका सैंपल था उसमें आपने क्या किया है कि आपने 1 मोल जो है वो ग्लूकोज ऐड कर दी है, ठीक है, तो उसकी ओवरऑल कंसंट्रेशन होगी 0.1 मोल। दूसरे सैंपल में आपने 2 मोल ग्लूकोज ऐड कर दी, फिर आपने 4 मोल ऐड कर दी, इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर होगी, इसकी कंसंट्रेशन 0.5 मोलर होगी और इसकी कंसंट्रेशन 0.8। ये आपने खुद प्रिपेयर किए हैं इसलिए आपको इन 5 सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन पता है जो हमने नीचे मेंशन कर दिया। तो ये क्या है आपके 5 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? जी मैम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है आपकी लैब में जो है, जहाँ पे मेरा ऑफिस है उसके पीछे आपको एक छोटी सी मशीन पड़ी नजर आ रही होगी, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब ये जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है आप इसकी हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन। इसको आप नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है इसका प्रिंसिपल होता है बियर लैम्बर्ट लॉ। ये 2 साइंटिस्ट के नाम नेम्स है जिन्होंने मिलकर ये ला दिया था, ठीक है, बियर लैम्बर्ट लॉ, जिसमें हम कहते हैं ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, ठीक है। अब इसमें ए आपके पास क्या है, ठीक है, ई क्या है, एप्सिलॉन क्या है, सी क्या है, एल क्या है, ठीक है।
ए है आपके पास अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ फॉर एग्जाम्पल। इस मशीन के अंदर जब आप अपने किसी भी सोल्यूशन को रखते हैं तो ये मशीन उस सोल्यूशन के ऊपर लाइट फॉल करवाती है और आपका सोल्यूशन जो है वो एक सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस की समझ आ गई, जी मैम। ठीक है। इसमें दूसरी जो चीज है वो आपके पास है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आपके पास क्या है, ये मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशेंट है, एक कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, जो कि हर सैंपल के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। वाटर के लिए इसकी एक कांस्टेंट, पूरा एक टेबल आपके पास अवेलेबल होता है जिसमें वाटर के लिए, एथेनॉल के लिए, मेथेनॉल के लिए आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यूज गिवन होती है, ये कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या होता है, ये लेंथ होती है आपकी, ठीक है, ये लेंथ आपको क्या बताती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट थ्रू द सोल्यूशन। जब आप सोल्यूशन को इस मशीन के अंदर रखते हैं तो लाइट सोल्यूशन के अंदर एक सर्टन डिस्टेंस कवर करती है, जिसको मैं फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो सोल्यूशन के अंदर कवर करती है, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन, एक दफा आपने मैम सोल्यूशन भी सी बना क्या आती लिया, है इसमें? सी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन है सोल्यूशन। अच्छा, अब सी जो है वो आपके पास है वो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की, ठीक है। और एप्सिलॉन जो है, एक दफा सपोज आपने 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना लिया, तो आपको लगता है कि पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान वो जो 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है उस पर कोई फर्क पड़ेगा और वो किसी और कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्क पड़ेगा कोई 0.1 पे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन? यस मैम, फर्क पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा, ठीक है। पूरे एक्सपेरिमेंट में एक दफा जो आपने कंसंट्रेशन बना दिया ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको फर्दर जिस और रिएक्टेंट के साथ मिक्स करवाएंगे ना, मिक्सचर के बाद जो आपकी न्यू प्रोडक्ट बनेगी ना, उसकी कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा, उसकी अपनी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये कि एक दफा अगर आपने सोल्यूशन बना लिया तो ये एप्सिलॉन तो आपका पहले ही कॉन्स्टेंट था, सी भी आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हर सोल्यूशन के लिए सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, फिक्स कंसंट्रेशन है हर सॉल्यूशन की, जैसे मैंने पीछे मेंशन की। क्लियर हो गया? ठीक यस मैम। है, कंसंट्रेशन फिक्स है, उसमें वेरिएशन उस वक्त आएगी जब आप उसका किसी और सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है। अब क्या होगा कि हम चेक करते हैं इसको, अगर ये आपके पास ई और सी दोनों कांस्टेंट है और ये इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ऐसे। जी मैम। अच्छा, अब इसमें ये मैंने एल को आपको क्यों कांस्टेंट शो किया, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो बताती हूँ कि एल मैंने क्यों कांस्टेंट लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, एक्चुअली कितनी लाइट आपका सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे मैंने जो है वो एल जो है उसको भी कॉन्स्टेंट लिया है और कॉन्स्टेंट को कंसंट्रेशन को वेरिएबल लिया, उसकी वजह आपके पास क्या है कि जो आपकी कंसंट्रेशन है, आप जिस सोल्यूशन जिस सैंपल की डिटरमिन कर रहे हैं वो आपके लिए अभी अननोन है, आपको नहीं पता कि आपके सैंपल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी है, ये आपने डिटरमिन कर। अगर मैं इसको कांस्टेंट कर देती हूँ तो आपका एक्सपेरिमेंट आगे नहीं चल सकता। और एल को मैंने इसलिए कांस्टेंट ले लिया है क्योंकि एल जो है वो आपके पास लेंथ है उस लाइट की जो कि आपके उस सोल्यूशन के अंदर जो है वो फॉल करेगी, तो जिस कंटेनर के अंदर आप अपना सोल्यूशन जो है वो डाल के इस मशीन के अंदर रखते हैं उसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने क्या किया कि कंसंट्रेशन को वेरिएबल रहने दिया, ठीक है, लेंथ को मैंने कांस्टेंट कर दिया है, और जैसे आपका ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो इक्वल और कांस्टेंट से रिप्लेस हो सकता है, इसी तरह से ये दोनों चीजें प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से रिप्लेस हो सकती हैं। तो बियर लैम्बर्ट लॉ आपको क्या कहता है कि जो आपके पास एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ आ गई? जी मैम। अब मेन आपका जो आइडिया है, जो प्रिंसिपल है जिसको आपने अपने माइंड में रखना, वो क्या है कि ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल एंड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। मेनली आप इसकी बेस पे जो है वो अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमिन करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि जब किसी भी आपका वो जो सोल्यूशन आपने लिया है, जब आप उसके अंदर से लाइट फॉल करवाएंगे, ठीक है, तो लाइट का कुछ पार्ट जो है वो इस सोल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जितनी इंटेंसिटी की लाइट आपने सोल्यूशन के ऊपर फायर करवाई होगी, जो आपकी लाइट एमिट होगी, जो ट्रांसमिट होगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी होगी,
बात की समझ आ गई? जी मैम।